सो गाइस, ये है पोको एक्स 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। अगर आपने इस फ़ोन को परचेस कर लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं आपको इसमें ना बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फीचर्स बताने वाली हूँ। आप अपने फिंगरप्रिंट को दो बार ऐसा प्रेस करेंगे ना तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही जल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, ये फिर मैं दो बार ऐसा प्रेस करूँगे ना तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही बंद हो गई है। अब आप ये कैसे करेंगे मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और कैसे आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज, जो डिलीट एवरीवन वाली मैसेज होती है ना, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है वो भी आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। सो गाइस, हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फीचर्स की। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दो बार प्रेस करूंगी ना तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्लैश लाइट ऑन हो गई है और दो बार मैं प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये फ्लैश लाइट बंद हो गई है। अब ये फीचर्स मैंने कैसे इनेबल किया है चलिए बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा गेस्चर शॉर्टकट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नीचे डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये टर्न ऑन टच है, इसलिए दो बार प्रेस करने में टच ओपन हो रही थी। अगर आप इसमें कंट्रोल सेंटर करना चाहें या फिर नोटिफिकेशन करना चाहे, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको जिसमें भी इनेबल करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं टेक स्क्रीनशॉट पर कर देती हूँ, तो आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर आएंगे और दो बार इसे ऐसा प्रेस करेंगे ना तो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकल गई है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहीं एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फुल डिस्प्ले का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप फुल डिस्प्ले कर सकते हैं या आपको बटन वाला चाहिए तो आप यहां से बटन वाला भी कर सकते हैं। आपको यहां पर बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन बटन को गायब करना चाहते तो सिंपली आपको यहां से गेस्चर पर कर देना है। अब आपको नीचे बटन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप इस टाइप से करेंगे तो बैक हो जाएगा, इस साइड से करेंगे तो भी बैक हो जाएगा, और आप ऐसा करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। और आप ऐसा लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आप प्रीवियस ऐप पर चले जाएंगे और यहां से उन ऐप को हटा भी सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहां एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे रेजुलेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। यहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं और साउंड वगैरह, आप ये सारी चीजें सेट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहीं एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वन हैंड मोड का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। ये आपका पहले से बंद रहता है तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। अब आप अपनी होम स्क्रीन पर आएंगे और अपने फिंगर्स को कुछ इस टाइप से करेंगे ना हल्के से, तो आपका फोन वन हैंड मोड में हो जाएगा। मतलब सारी एप्लीकेशन नीचे के साइड आ जाएंगी और आप यहीं से उन एप्लीकेशन को ओपन वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब आप एक ही हाथ से अपने फोन को यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो आप इसे भी यूज कर देखिएगा। और अगर आपको इसे हटाना है तो सिंपली आपको ऐसा स्क्रॉल कर देना है ऊपर की साइड, तो ये हट जाता है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ बैक आना है और नीचे आपको मेमोरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप 5GB मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है और आपको यहाँ पर ऊपर डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको टाइम फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स का चाहिए या फिर 12 आवर्स का चाहिए, आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 12 आवर्स का कर ली हूँ, तो अब 1 बजे से 12 बजे तक का हमें टाइम देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ सेटिंग पर आना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऑलवेज एंड डिस्प्ले पर क्लिक करके यहाँ से आप, ये आपका पहले से बंद रहता है तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, स्टाइल्स मिल जाएंगे। मतलब आपका डिस्प्ले बंद होने के बाद किस
टाइप से देखना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी स्टाइल मिल जाती है, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली स्टाइल अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर दूंगी। यहाँ से आप ये जो बैटरी वगैरह दिख रहे हैं ना, इनके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैटरी वगैरह ना दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके बैटरी को भी बंद कर सकते हैं। और अगर आप चाहते किसी ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आई है तो वो भी यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। और अगर आप दोनों चीजों को दिखाना चाहते तो सिंपली दोनों को ऑन कर देना है। अब आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे और अपने फोन को बंद करके देखेंगे तो ऑलवेज डिस्प्ले का लुक आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए लग रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो आपको यही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ही आना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप कुछ भी टाइप करके अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देती हूँ, अपना क्यों चैनल का ही नाम टाइप कर देती हूँ, टैग फॉर रोशनी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलते रहेंगी। सिंपली आपको टाइप करके यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने फोन को बंद करेंगे ना तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस टाइप से लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा देखने में लगता है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ही आना है। नीचे आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है ना तो आपका फोन इस टाइप से दिखने वाला है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी ऐप से तो आपको उसके भी एनिमेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी आपको इफेक्ट वगैरह पसंद है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट तो हमें बहुत ही ज्यादा तगड़े देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको नीचे स्लीप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये 10 मिनट रहता है मैक्सिमम। अब आप जैसे कि 1 मिनट सेट कर देते हैं, अब आप फोन को यूज कर रहे हैं और 30 सेकेंड ही बस यूज किया और आप कहीं पर चले गए तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको राइज टू बैक मिल जाता है, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन कहीं पर रखा हुआ है और आप फोन को जैसे ही हाथ में लेंगे ना तो फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, हमारा फोन अभी बंद है, यहाँ पर रखा हुआ है और हम जैसे ही हाथ पे लेंगे फोन को तो ऑटोमेटिक ही फोन ऑन हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहीं पर आना है। यहाँ पर आपको डबल टैप टू बैक के ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। ये पहले से बंद रहता आपका, तो इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन लॉक रहेगा और आप डबल टैप करेंगे ना तो फोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से लॉक स्क्रीन की क्लॉक का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपको राइट पर चाहिए, लेफ्ट पर चाहिए या फिर सेंटर पर चाहिए, आप यहाँ से जो भी पसंद हो उसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो मैं ये सेंटर पर कर देती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको कैमरा लॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है, ये पहले से बंद रहेगा तो आपको यहाँ इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन बंद है और आप पावर माइनस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे ना तो कैमरा ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। ये देख सकते हैं हमारा कैमरा ओपन हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर नीचे आपको पॉकेट मोड मिल जाता है, ये भी ऑफ रहता है तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका फोन जब तक पॉकेट में रहेगा, जेब वगैरह में या फिर पर्स में रहेगा, तो उतने समय तक फोन की स्क्रीन काम ही नहीं करने वाली है। ऐसा होता है ना कि फोन जेब में रखा रहता है तो कहीं भी टच हो जाता, कोई भी एप्लीकेशन खुल जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी ना आपको बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको शो नोटिफिकेशन एंड सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी और आपका फोन लॉक रहेगा तो लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और यदि आप शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट करते हैं तो आपको जिस ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आया है वो ऐप देखने के लिए मिलेंगे, उसके अंदर के जो मैसेज वगैरह है ना वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और अगर आप ऊपर शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट कर देते हैं तो आपको जिस ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आई है वो भी देखने के लिए मिलेगी और साथ साथ में जो मैसेज अंदर का उसके मैसेज है ना वो भी आपको यही लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको इसे डू नॉट शो पर ही करना चाहिए। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है और भी बैक आना है। यहाँ पर
पर आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी। आपको यहाँ पर ऊपर एक फ्लोटिंग सी पॉपअप कर आएगी। अगर आप उन्हें ऑन करना चाहते हैं तो इतने सारे ऐप वगैरह हैं तो आप उन्हें ऑन कर सकते हैं, और अगर डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स के लिए आपको यहाँ बैचेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इतने सारे ऐप देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आ तो आपको यहाँ पर ऊपर उसके बैचेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप उन बैचेस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से इन्हें डिसेबल कर देना है, और ऑन करना चाहते हैं जिन्हें भी आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट फीचर्स की। तो आपको यहाँ से बैक आना है। यहाँ पर आपको ऐप इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सॉर्ट बाय टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऐप कैन नॉट शो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको कोई भी ऐप की नोटिफिकेशन ऊपर स्टेटस बार पर शो ही नहीं होंगी, और अगर आप शो नोटिफिकेशन कर देते हैं तो आपको ऊपर उनके नोटिफिकेशन के आइकन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे कि किन किन ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आई हैं। और अगर आप यहीं पर सॉर्ट बाय नंबर ऑफ नोटिफिकेशन पर कर देते हैं तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना तो आपको क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी कि 4 नोटिफिकेशन आई हैं या फिर 5 नोटिफिकेशन आई हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एम्ब्रॉइड वाले नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तो एम्ब्रॉइड जैसे दिखना चाहिए या फिर MIUI जैसे दिखना चाहिए, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको अगले फीचर्स के लिए बैक आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट, ये तो मैंने पहले ही बता दी हूँ। अब नीचे आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको ओल्ड वर्जन वाला चाहिए या फिर न्यू वर्जन वाला चाहिए, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिलहाल में न्यू वर्जन वाला ही कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको नीचे स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है शो नोटिफिकेशन आइकन का। तो आपका ये पहले से बंद रहता है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं ना तो आपके पास किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना तो उनके आइकन आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपको उसके आइकन ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिलते हैं, और नीचे आपको शो कनेक्शन स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। इससे आपका नेट कितने स्पीड पे चल रहा है, KB में चल रहा है या फिर MB में चल रहा है, यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिलेगा। अभी मेरे में सिम नहीं है इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा है, आप करेंगे तो आपके में दिखाने लगेगा। अब नीचे आपको यहीं पर बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से बैटरी के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि आपकी बैटरी किस स्टाइल पर दिखना चाहिए, नंबर भी बताना चाहिए कि कितने परसेंट हुई है, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स, नीचे आपको यहीं पर हाई नॉच का मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ ऊपर कैमरे में नॉच वगैरह चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ नॉच के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नॉच देखने के लिए मिलेगी, मुझे तो बिना नॉच के ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर हाइट नॉच कर देती हूँ। और अगर आपने इसे नॉच को हाइट नहीं किया है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नॉच इन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किन किन ऐप में नॉच वगैरह चाहिए। तो गाइस अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है चलिए आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर गूगल तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सिंपली आपको गूगल क्रोम पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंगलिंग ऐप। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करके डाउनलोड कर लेना है रिंगलिंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये पहले से ऑफ रहता है तो आपको इसे ऑन कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके कैमरे में भी लाइट अप्लाई हो जाएगी, और ये रिसाइजर होता है, आप इससे कैमरे की जो लाइट है उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब कैमरे के हिसाब से आप यहाँ से लाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये कंट्रोलर होता है, आप यहाँ से लाइट को छोटा बड़ा कैमरे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ सिंगल कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको प्रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो भी कलर पसंद हो
आप यहाँ से उन कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस सभी वीडियो ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो बाकी के फीचर्स में नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लेना। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हाँ, आपको इसके सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और यहां कहीं आई बटन आती होगी तो वहां भी मैं दे दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको काफी ज्यादा अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।